This movie encoded by Dredd Holmes. अपन जानवरों की लाइफ ना एकदम जेम्स बॉन्ड माफिक होती है, क्योंकि रोज अपने को अपनी जान हथेली पर लेकर खाने की तलाश करनी पड़ती है। ए भाई लोग, तुम लोगों को अपन ये कबूतर तो नहीं लग रहा ना? अरे अपन वो नहीं, अपन ये है। वैसे अपना इन लोगों के साथ कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई पंगड़ है तो अपन छोड़ता नहीं है। वैसे ये कबूतर कभी कभी काम भी आते हैं। ये लोग मस्त एक टोकरी जैसा घोंसला बनाते हैं और उसमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी रखते हैं, लेकिन आज इनकी टोकरी खाली है तो अपने किसी काम की नहीं। चला एक बात दिल से सच्ची बोलता हूं, अपन सिंपल टपोरी है, अपने को ये हीरो वीरो बनने का शौक नहीं है। अपन बस एक स्क्विरल है जिसको नट मांगता है। 100 ग्राम नट देना। अरे हाँ, ये अपन का भेड़ू है, बोले तो बड़ी। ये परमानेंट मौन व्रत पे है। किसी शाणे ने बोला था कि खाली अपने बारे में सोचने का, और अपन वही करता है। चलो चलो, शाबाश, ले आओ ले आओ। हाँ चलो, जल्दी करो, तुम भी ले आओ, जितना मिले उतना अच्छा है। मोल, बताओ कितना खाना जमा हुआ है? कुछ ज्यादा जमा नहीं हुआ। तुम साफ साफ नहीं बता सकते हैं? भूखे मरने के दिन आ गए हैं, हम सब मरने वाले हैं। ना 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 ना, खुद पे भरोसा रखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लो, थोड़ा और खाना आ गया। अरे बेटा, तू तो गलत नट ले आया। फिर भी रख लेता हूँ। क्या कहा? नट काट? नट काट? नट काट? फिर तो सर्दियों में खाने की कोई कमी नहीं होगी। जाओ एंडी। ठीक है बॉस, अब देखना मेरा कमाल। ना 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 ना, ग्रेसन तुम्हारे साथ जाएगा। ग्रेसन की कोई जरूरत नहीं है बॉस, ये काम मैं खुद कर। ग्रेसन, ओए भाई आ गया। लड़कियां मेरे पूछ की दीवानी है। अब जाओ एंडी की नट्स लाने में मदद करो। पार्क की जय हो। करेक्ट, अंकल सही बोले। याद रहे, उस टपोरी से जरा बच के रहना, पता है ना कौन? नहीं, वो नहीं। वही। ओहो, आज तो चांदी ही चांदी है। मोटा भाई, ये ओक्टन बैंक किया जी है। ओह थैंक यू। गाड़ी देख के नहीं जा सकते। अंकल अंकल, इधर नीचे, मुझे नट्स चाहिए। दिखने रहा क्या, दुकान बंद हो गई? पर यहाँ तो ओपन लिखा हुआ है ना। ले, अब बंद हो गई। सुनाई नहीं देता, मुझे अभी नट्स चाहिए। ये ले।
अपने को नर्स पे पहला हाथ साफ करना पड़ेगा इससे पहले कि सारी पब्लिक आ जाए। चल भिड़ो आग के खिड़की होल और देख प्लान, या अपन दोनों या काट दोनों माँ चुराएंगे और रेट पैक बनाएंगे। वहाँ क्या देख रहे? अरे बेटा गांव बसानी चोर पहले ही आ गए। आजा तशरीफ टोकरी में डाल, डर मत ज्यादा गहरा नहीं है, आजा। पुलिस अंकल देखिए इसी आदमी ने मुझ पर नट से हमला किया। नहीं, मुझे नहीं। बहुत चोट लगी। देखिए ऑफिसर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे ठेले का लाइसेंस दिखाओ। वो देखो इतना सारा खाना है कि पूरा पार्क खा सकता है, लेकिन उन नट्स को चुराना मुश्किल होगा। ग्रेसन, ग्रेसन क्या है? तुम ऊपर क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं वो लफंगा सरली आसपास तो नहीं। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लगता नहीं सरली यहाँ पर है। हाँ? खुशबू अच्छी है, लगता है मेरे डीओ की है। तो ये बात है, तुम यही रुकना। एंडी रुक जाओ, इस बाग का हीरो अब भी मैं हूँ। बाय द वे तुमने अब तक मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया? ओ नहीं ऑफिसर, मैं यही शायद मुझे नहा लेना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो ना साहब, अब काजू से काम चलेगा क्या? अगर काजू है तो परमिट की क्या? वाह ये अच्छा है, मेहनत अपन करेंगे और मलाई तुम लोग को चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, पूरे पार्क को चाहिए। सॉरी मैडम तुम लेट हो गए, अभी अपन का माल है। भीड़ और अपन ने पहले प्लान बनाया था और अपन हिस्सा बांटता नहीं है। तुम्हें बांटना ही पड़ेगा क्योंकि इस नट कार्ड से पार्क में सबका पेट भर सकता है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, हम साथ में काम कर सकते हैं। बोलो क्या कहते हो? मैडम भाषण मत दो, आइटम दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम चाहो तो पार्क में सबकी मदद कर सकते हो पर कर क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम्हें एक मौका मिला है जिससे तुम रकून को गलत साबित कर सकते हो। वो रकून कुछ भी सोचे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कभी तो दूसरों के बारे में सोचा करो। ओ मैडम अपन अकेला काम करता है, बोले तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, एक फोकट में सलाह देता है। मैडम तुम भी यही करो, लाइफ सेट हो जाएगी। तुम कभी नहीं समझोगे सरली। देखो मैं आ गया, सब पे छा गया। हे एंडी ये तुम्हें छेड़ तो नहीं रहा है ना? ये तेरे भाभी है पगले, मैं तुझ में इतने छेद करूंगा कि तू भूल जाएगा कि सास कहाँ से ले। और अपनी हीरोपंती बंद करो ग्रेसन। ओ हीरो इसकी मत सुन, बहुत पछताएगा। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा। सेल्फिश कहीं के, छोड़ो उसे, हम डेट पे जाते। भाई लोग तुम लोग बोल बचन करते रहो, मैं चला अपनी दावत उड़ाने। सी यू। दावत कहाँ है दावत? अभी अपन मचाएंगा धूम। वाह क्या कमाल का एक्शन है। क्या बाइट मारी एंडी डार्लिंग। ये कभी नहीं सुधरेगा। मैं आपको बताता हूँ ऑफिसर कि सच क्या है। ये लड़की आपको सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बता रही है। मैं झूठ नहीं बोलती। क्या आपने देखा ही ऑफिसर, ये लड़की कितनी खतरनाक है। कहानी में ट्विस्ट। चल हवा आंदे। देखो तुम्हारा कार्ड जा रहा है। अरे ये तो लफड़ा हो गया। निकल लो। ओ तेरी नट्स। वाह क्या बात है एंडी। क्या करता है बिडू, चैन से खाने भी नहीं देता।
मैं आ गया, मैं चला गया। ग्रेसन, जितना हो सके उतना खाना जमा कर लो। पर ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये मेरे नए डियो की है, तुम्हें पता है ना इसके एड में एक नई हीरोइन आती है। ये अरे क्या कर रहे हो, बुझाओ इसको, मेरी पूंछ जलाओगे क्या तुम? ये माल हमारा है, मतलब ये माल मेरा है। ओके सरली, चलो इस बारे में बात करते हैं, हम ये नट्स बांट सकते हैं ना? हाँ ये सही है, मिल बांट के खाएंगे, सारा माल मेरा, छिलका तेरा। मैंने बचा लिया। अब तो लाइसेंस होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा। हमें इस कार्ड को रोकना होगा। मैं रोकूंगा इसे। सरले, मदद करो। क्या हुआ? अबे देख के रहा, मदद कर। अबे कहाँ जा रहा है? सरली, धोखे बाज। अपना तो झोल हो गया। ग्रेसन, सामने ओक ट्री है। सुनो सब लोग, हमारे पास जितने नट्स थे उनकी गिनती हो गई है। अफसोस के उससे सर्दियों तक का गुजारा नहीं हो पाएगा। पता था हम नहीं बचेंगे। शांत हो जाओ रकून। चुप रहो रकून, कुछ समझा रहे। वैसे ये काफी दुख की बात है, लेकिन अरे जरा सुनो तो, एंडी और क्रिसन। चुप मुझे उसे खबर बना दी। हम इस पार्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, हमें जी जान से मेहनत करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। मुझे बहुत बात करनी है, रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। क्रिसन ने आज से पहले हमें कभी निराश नहीं किया, मुझे लगता है कि वो अभी भी हमारी तरफ आ ही रहा होगा। क्या हमारा खाना पूरा बर्बाद हो जाएगा? तुमने पहले कुछ बताया क्यों नहीं? पेड़ से निकल जाओ, जल्दी पेड़ से निकलो। मैं आ गया। ये जमीन से अचानक पर हवा में कैसे उड़ने लगा? मम्मे ग्रेसन, ग्रेसन कहाँ हो तुम? ये सब कैसे हो गया? इस सब का जिम्मेदार कौन है? अरे क्या कर रहे हो? अरे बोला ना मुझे चंदा नहीं देना है। ये मेरे मसल देंगे क्या? मसल के रख दूंगा। ये हमारे घर में छिपा बैठा था, इसी की वजह से सब हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो, वो तुम लोगों का घर था? अरे अपुन को लगा कि वहाँ पर ये कोई फ्लश करना भूल गया, क्या अपुन ना के नहीं आया? ओ क्या रे भाई लो। ये देखा तुमने? अरे तुम लोग पार्टी कर रहे थे, अरे तुम पहले बोल रहा था ना, इतना बढ़िया बारबेक्यू किया है। अच्छा डीजे वाले नहीं बुलाए क्या तुम लोग? आखिर ग्रेसन के बिना पार्टी कैसे हो सकती है? रकून, मैं ट्रायल की तैयारी करती हूँ, बताओ कब करना है? एक और सुनवाई, यानी तारीख पर तारीख। इसे और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब उनकी धर है क्या? नहीं, हम नियम के हिसाब से काम करते हैं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। इन्हें इंसाफ चाहिए एंडी, और इंसाफ इन्हें जरूर मिलेगा। जो भी इसे पार्क से निकालना चाहते हैं अपने हाथ ऊपर करो। अपुन तड़ी पार निकाल देंगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ मेरे लिए। तुम सब कतरा क्यों रहे हो? उसने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया, चोरी की, धोखा दिया, झूठ बोला, और अब हमारे सर्दियों के खाने को बर्बाद कर दिया। चलो सब हाथ उठाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे दो दो क्यों दिख रहे हो? बिना किसी ट्रायल के फैसला करना, हम इस तरह काम नहीं करते। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है एंडी, तुम अपने दिल से फैसला लो, जो चाहती हो सो करो। बिड़ू ना, इसने अभी तक हाथ नहीं उठाया, फैसले में सबकी मर्जी होनी चाहिए, यही चुरू ले। ए बिड़ू, तू अपन के खिलाफ हाथ नहीं उठाएंगे ना? हाँ, कुछ कहना बाकी है?
रकून और पार्क के बाकी के मेंबर्स के फैसले के हिसाब से। अरे ये कितना ऊंचा है। सैली स्क्विरल को लिबर्टी पार्क से निकाला जाता है, अब वो वापस यहाँ कभी नहीं आ सकता। आओ मुझे यहाँ ऊपर चक्कर आ रहे, कोई उतारो। मुझे पता है ये इंसाफ नहीं है सोली, मुझे माफ कर दो। अपन की सजा अपन ही भुगतेगा। फ्यूचर ब्राइट है। ये कहाँ से आ गया? अरे ये क्या? कर दिया चम्मच से अपने चमचे को मार दिया। उठ 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 बीड़ू बीड़ू उठ जा उठ जा। देख बीड़ू तुझे अपनी दोस्ती की कसम, उठ जा। हाँ अपन को तो लगा कि तू टपक गया। तेरे को बोला था ना पीछे नहीं आने को, जाता क्या? बजाऊ तेरी पुंगी। इधर हर बाजू खतरा है, तू अपनी परेशानी और मत बढ़ा। अपन को किसी की जरूरत नहीं है। के भाई लोग अब उनको चूहे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अपना तो बेस्ट फ्रेंड चूहा है। हाँ यही तो है। हाँ।
चलो चले। अपन चावल बर्दाश्त नहीं होता, घर नहीं है, खाना नहीं है, चिरकुट चूहे पीछे पड़े हैं। उड़ता हुआ तीर क्यों बगल में ले लिया? एक आइडिया है, भाई लोग से माफी मांग लेता हूँ, शायद उनको अपन पे रहम आ जाए। उन लोग का झाड़ू कटका बर्तन सब कर लूंगा, रहकर उनकी बकवास भी सुन लूंगा। अरे जो बोलेंगे कर लूंगा, पर ये नहीं चाहिए। सुन बिड़ू, अपन अंदर जाएंगे, पेट भर के खाएंगे, लेकिन अपन के स्टाइल में। सिंगल पस लिए तुझसे नहीं होगा, चल विजेट। अरे वाह, पूरे 100 मिल गए। 100 में से 20 तो 20% कहते हैं, कभी स्कूल नहीं गए। देख तो कौन आया है, बॉस आए हैं। क्या बात है बॉस, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वैसे आप जेल से बाहर कब निकले? आप कितना टाइम जेल में थे? 7 साल? 8 साल? छोड़िए, जैकेट मुझे दीजिए, मैं नहीं, रखता हूँ। मैं रखता हूँ जैकेट, लाइए बॉस। खाना मैं ले लूंगा। अबे मैं लाऊंगा। तो बॉस, सफर कैसा रहा? हे प्रेशियस, देख कौन आए हैं। बॉस को हाय तो बोल। क्या बात है बॉस, जेल से आने के बाद तो आप पहले से अच्छे दिखने लगे। ये आपका नया सूट है क्या? कौन सा मटेरियल है, सिल्क है या वेलवेट? तभी तो स्मार्ट लग रहे हो। मिलो हमारे नए साथी से, इसका नाम है नकल। यह हथियार और लॉकर संभालेगा। नकल, मिलो हमारे पुराने साथी फिंगर्स और लकी से। हेलो नकल, टीम में स्वागत है। कैसे हो चाचा? मेरा है क्या? वैसे वो कौन सा जीनियस है जिसने ये जगह ढूंढी? मैंने बॉस। फिर शुरू हो गया। अबे मैंने ढूंढी, और इन सभी नट से बनी झकास चीजों को तो देखिए बॉस, हमारे पास नट कार्ड भी है। नहीं थी। चलेगा, हमें ये जगह बहुत सस्ते में मिली है और छुपने के लिए नंबर वन है बॉस। यहाँ से नजारा भी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलो प्लान्स पर काम करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी बॉस, मालामाल शहर, ये रहा बैंक और ये इसका लॉकर, स्टील से बना है, पत्थर जितना मजबूत है। और उसे तोड़ने के लिए हमारे पास ये बॉम्ब है। इसके फटते ही बैंक का लॉकर खुल जाएगा और हम बैंक को लूट लेंगे। लाइट बंद कर दो, मार दो सबको। अरे घबराओ मत बॉस, चूहे। क्या कहा तुम? चूहे? आपको कम सुनाई देता है क्या? इसे चुप करो फिंगर्स, अभी कराता हूँ। मेरे डॉग के विसल को सुन सकते हो? तुम्हें इसकी आवाज कैसी लगती है, बहुत ही ऊंची सुनाई देती है या कम? नौटंकी बंद कर, समझा? अबे तू मेरे और इसके बीच में मत बोल, वरना मैं तेरा छोड़ दो उसे। मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी ऐसी बचकानी हरकतों के लिए टाइम नहीं है, समझे? चलिए बॉस, मैं आपको बेसमेंट दिखाता हूँ, आइए ना। आ, चलो।
सर्दियों की तो बात ही छोड़ो, हमारे पास अगले 3 दिन के लिए खाना नहीं है। अब सारी उम्मीद तुम पर ही है। एक बार और चक दे फटे, तुम कर सकते हो ग्रेसन, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। क्या बात है बड़ा, फ्रेंच मंच मारो। सही है, ऐसे ही करते रहो, थोड़ा खाना भी हजम हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ग्रेसन को मेरे साथ जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है इसका दिमाग और खराब हो चुका है। रकून का कहना है कि इस बुरे वक्त में वो तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा, क्योंकि ग्रेसन इस पार्क का हीरो जो है। क्या स्टाइल है! गुड लक एंडी, हमारे लिए खाना लाना और पार्क के लिए भी। पक्का पता है तुम लेके आओगी। चलो, हमें पता है तुम खाना ढूंढ लोगे। तुम्हें पता है ना मुझे कौन सी नट्स पसंद है? मेरे लिए मसाले वाले, और हो सके तो मेरे लिए चीज वाले ले आना। मुझे भी साथ ले चलो। संभल कर रहना, इस शहर में हर मोड़ पर हादसा होता है। ओ, सूरज निकलने वाला है, मुझे जाकर किसी बिल में छुप जाना चाहिए। हटो मेरे रास्ते से। सी यू फ्रेंड्स। क्या तुम तैयार हो एक एक्शन से भरे एडवेंचर के लिए? हमारी एनिवर्सरी मनाने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। सुनो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर है, समझे? सही कहा तुमने, ये मिशन हम दोनों के लिए जरूरी है और हमारे प्यार के लिए भी। तुम लोगों को देख के तो मेरे आँखों में आंसू आ। मैं संभालता हूँ इसको। हेलो चूहो के सरदार, कैसे हो तुम? तुम्हारी नाक पहले से ही ऐसी या फिर मेकअप किया हुआ है? अच्छा छोड़ो, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सोच रहे थे कि हम जो है वो छोड़ दो उसे। बैग वापस करो बदमाश, सुना नहीं क्या तुमने? हाँ तुम ठीक हो ना? मैं अभी आता हूँ। ए रुक जाओ, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ग्रेसन, टेंशन मत लो। पकड़ लिया। मैं इससे निपटता हूँ, हैंडी तुम बाप को बचाओ। का खाने में यही लोचा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये कहां से आ गई? लाना। वाह लाना, काफी अच्छे लग रहे हो। लाना कैसी हो तुम? यहाँ आने से पहले एक फोन तो कर दिया होता। जरूरत नहीं थी, तुम्हारी मॉम ने कहा तुम यहाँ मिलोगे। क्या बात है, कैसी हो लाना? मैं ठीक हूँ। तुम ये प्यारी सी डॉगी कहाँ से ले आए? ये बहुत ही खतरनाक डॉग है, और जिस काम के लिए इसे रखा है वो तो करती नहीं है। वो अकेली ऐसी नहीं है। तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। सुना तो यकीन नहीं, तुम सच में चोरी चकारी छोड़ने वाले हो? तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इस बार ईमानदारी से काम करो। ये नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं तुम्हारे हाथों से वो पिक्चर रिकॉर्डिंग करवाने वाला था। फिर से भौंकने लगी। मेरी विसल, इसके पैसे मैं तुमसे ही लूंगा। अगले मौके पर चौका मारेंगे और सारे नट उड़ा लेंगे। पर पार्क में तो अपनी एंट्री नो है। अरे हटा पार्क को मार गोली, चल वो चमकीली पुंगी ढूंढते हैं। किधर गई? अब उस डॉगी की अपन बजाएगा पुंगी। सॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खाना ढूंढ रही हूँ। नहीं, अपन खाना ढूंढ रहा है। हे, क्या तुम्हें खाना मिला? नहीं तो अपन डाइट पे। ये वापस देना। क्यों?
आखिर ये है क्या? वो अपन म्यूजिक डायरेक्टर बन गया है, तू बोले तो गा के बताऊं क्या? दे दे रे, दे दे रे, मेरे को बजाने का है म्यूजिक रे, दे देना मेरे को मेरा म्यूजिक का आइटम। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें खाना मिल गया है ना? और इस चीज का उससे कुछ लेना देना है? कुछ भी बोलती है, सच बोलो वरना मैं इसे... रोक, गाना पसंद नहीं आए तो मेरे को बोलना, फेंकती क्यों, पाप लगेगा। सर्ली, मेरा दिन पहले से ही खराब चल रहा है, पार्क का सारा खाना बर्बाद हो गया है, ग्रेसन और पगला गया है और वो खो भी गया है, और मैं दिन भर से भूखी और अकेली घूम रही हूँ। अब अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए सच सच बताओ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अबे दरवाजा। क्या, कौन सा दरवाजा? वो अपन के घर का। अरे वो तुम सबके लिए हमेशा खुला है ना, कभी आना। वापस आओ यहाँ। हे रुको, सुनो, पुंगी फेंकना मत। पकड़ पकड़, बम्बे बॉम्ब हो गए पूरे सो। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मैं यहाँ दिन रात बैंक में चोरी करने का नक्शा बना रहा हूँ और किसी को मेरी वीडियो देखना, सोते हुए खाऊंगा, रोते हुए खाऊंगा, खाते हुए खाऊंगा, खा खा के फड़ जाऊंगा, पर खाना नहीं छोड़ूंगा। क्या सही क्या बेड़ो, अपन थोड़ा सा हिल गया था, हिली डुली हालत में तेरे को कुछ गलत तो नहीं बोला ना? जरा सुन, ये 20% कितना होता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? बहुत सारा होता है या थोड़ा सा होता है? मैं मैथ्स नहीं आता, 100 में से 20 हुआ 20%। अच्छा, ये लोग भी सर्दियों में नट जमा करते हैं। देख बेड़ू, अपन खुद का अपना खड्डा खोदेंगे, उसमें सारे नट्स डाल देंगे, बोले तो पूरी जगह को कर देंगे सफा चट। समझेगा नहीं 20% कितना हुआ, लगता है तुम कभी स्कूल नहीं गए। अब इसे क्या हुआ? शायद इसका यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ वहाँ भाग रही है। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, आ रहा हूँ मैं। बेड़ू कल्टी, ठीक है सोली, अब जल्दी से मुझे बताओ कि अंदर क्या चल रहा है। अरे चलो, लाओ लाओ, जल्दी दो जल्दी दो। शायद अंदर बहुत सारा खाना रखा है जो तुम पार्क के सभी लोगों के साथ शेयर करो। शादी है क्या? हाँ कहो। अच्छा अच्छा, बाबा करेंगे, शेयर करेंगे। 50-50 मेरे साथ कौन बनेगा नटपति? ठीक है, बोलो, दो दो। तो डील पक्की? अब बोल, बजाओ तेरी पुंगी। एक बार बजाने देना, देख कितना मजा आएगा। नहीं प्लीज, इसे मत बजाओ, इसे मेरी नजरों से दूर रखो। ओहो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरे मुंह में जबान भी है। ठीक है, मैं मुंह बंद रखती हूँ, पर तुम इसे बजाओ मत। अब आई ना लाइन पे, जैसा तुम कहो बॉस। ए पंटर लोग, चलो आ जाओ, टेंशन नहीं है। तुम मुझे समझदार लगते हो, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैंने तुम्हें नहीं भगाया तो वो मुझे पिंजरे में डाल देंगे, और तुम तो जानते ही हो कि किसी को भी पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है। अरे चल ना, काय को इतना फेंकती है? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। अपने को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम लोग ठीक हो ना? अपन ने इसको सेट कर दिया है। ये तो किसी खजाने की तरह है, इतना खाना है कि पाक के सारे लोग सालों तक खा सकते हैं। ये रुक 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 रुक, भारत में आई है क्या? अच्छा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चले आगे बढ़। नहीं यार, मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, तुम देखना चाहोगे? मैं कोई भी चीज ला सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। ओह देखो, मेरी पूंछ हिलती भी है, बस कभी सीधी नहीं होती। ओ, 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 मैं मुर्दे की एक्टिंग कर सकती हूँ, फिर जिंदा हो सकती हूँ। क्यों हूँ ना मैं कमाल की? पता है, मेरी जैसे टैलेंटेड लोग बहुत कम है इस शहर में।
मैं इनमें से कुछ नट्स पार्क ले जा रही हूँ। क्या? हमारी डील हुई थी, तुम चाहो तो मैं अटैक कर सकती। चिक चिक बनकर याद करो, डील क्या थी? तुम्हारा आधा माल, मेरा आधा माल, फिर अपने अपने रास्ते। मैं इतने सारे नट्स अकेले पार्क में नहीं ले जा सकती, इसके लिए एक जबरदस्त प्लान चाहिए। तुमको जो करना है करो, मैं और बिडू तो सुरंग खोदने वाले। तुम एकदम पागल हो। ओह नहीं, ये तो कमाल का आइडिया है। ओह, रखून और बाकी सभी आइडिया सुनकर उछलने लगेंगे। तो हम कल सुबह मिलते हैं सुरंग खोदने के लिए। अरे पर ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैं अब अटैक करूँ? क्या नहीं, तू यहीं पर रुक। अपन ने कबूला अपन लोग की मदद करेगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अभी चल सकते हो, क्या पता वो तुम्हें हीरो समझने लगे। कल मैं पूरी टीम के साथ वापस आऊंगी। वेल डन सर्ली। उस पर नजर रख, जाना क्या वेट कर रहा है। बॉस, तुम्हारा चेहरा चाटूं क्या? प्लीज एक बार तो चाटने दो। मैं तो कहता हूँ हमें टीम बनानी चाहिए और सारे नट्स को पार्क में ले आना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना। ठीक है ठीक है, एक मिनट सुनो, हमें सर्ली के साथ काम करना होगा। सही कहा, हम काम करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने उसके साथ डील की है और हमें सारा हिस्सा उसके साथ आधा आधा बांटना है। डील की, वो भी सर्ली के साथ? तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है, उसी की वजह से हमारे सारे नर्स जलकर खाक हो गए। नहीं नहीं, सुनो, देखो दोस्तों, हम जब से इस पुरानी मिल में हमने एक साथ काम किया है, हम नियमों के हिसाब से चलते हैं। हम जंगली जानवरों की तरह अपने वादे नहीं तोड़ते। अच्छा ठीक है, हम जंगली हैं, पर सर्दियाँ आने वाली हैं। अगर हमने सर्ली के साथ काम नहीं किया तो हम नहीं बच पाएंगे। क्या ग्रेसन ने नट्स के इस खजाने को देखा? नहीं, उससे पहले हम अलग हो गए थे। हमें ग्रेसन का इंतजार करना चाहिए। हमें नहीं पता कि ग्रेसन वापस आएगा भी या नहीं। क्या? ग्रेसन फिर क्या होगा? अगर ग्रेसन नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा? हीरो कौन होगा? मैंने फैसला कर लिया है, ब्रूसर्स, मोल और एंडी सुरंग खोदेंगे और नट्स बाहर निकालेंगे। मोल उनको लीड करेगा। क्या? मैं सर्ली का भरोसा तो नहीं, पर उसके साथ काम करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। नट्स निकलने के बाद हम सारे नट्स ले लेंगे। जरूरी नहीं कि हम सर्ली के साथ अपना वादा निभाए। पार्क की जय हो। दिन में तारे क्यों नजर आ रहे हैं? चलो खोदना शुरू करते हैं। खोद के रख दूंगा। क्या कर रहे हो? वो नट स्टोर तो वहाँ पर है। अरे मैं देखता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज है? मुझे तो नूडल्स लग रहे हैं। रुको, हमें नहीं पता कि रुको वो... एंडी, इंचार्ज मैं हूँ, तुम काम शुरू कर सकती हो। रुक जाओ, मैंने फिल्मों में देखा है कि मुंह से सांस देने से पेशेंट जिंदा हो जाता है। ये जिंदा है? ग्रेसन, बहुत टाइम से इस जगह पर अपनी नजर है। यहाँ का हर एक घर, वेंट, ट्रैप, खिड़की, चप्पा चप्पा अपने को मालूम है। अगर सर्दियां बिताने के लिए तुम लोगों को नट्स चाहिए तो चुपचाप अपन की सुनने का। हम टनल से अलार्म की वायर को काट देंगे। जब हम लॉकर के पास पहुंचेंगे, हमारे पास 3 मिनट होंगे इसे डायनामाइट से उड़ाने के लिए। अपन लोग इस गली से बेसमेंट में जाएंगे। हम सीधे दरवाजे से अंदर क्यों नहीं जाते? नहीं जा सकते शाने, वो अंदर से बंद रहता है। अब अपन की बात ध्यान से सुनो। हम लॉकर में नट से भरी बैग्स रख देंगे और पैसे वाली बैग उससे बदल देंगे। बैंक वालों को काफी दिनों बाद पता चलेगा कि बैग में पैसे नहीं नट्स हैं। कैसा लगा आइडिया? वो तो ठीक है, पर मैं कुछ भी नहीं समझा। क्योंकि तुम अकल के अंधे हो। अंधा? कौन बोला ये? है दम तो नजर मिला। आपके सोल की बात कर रहे हैं बॉस, अपन बात कर रहे हैं बादाम की, पिस्ता की, अखरोट की। इतना पैसा होगा कि जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, मूंगफली की चिक्की भी है भाई लोग। वो कैंडी है या फिर नट? दोनों। कान खोल के सुन लो, ये मेरी आखिरी चोरी है। इसके बाद मैं चूहों से भरे गोडाउन में वापस नहीं जाने वाला, समझे तुम? अरे तो हम कौन सा जाना चाहते हैं? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।
खोद रहे हो या लड़ रहे हो? ओ, चक्कर। बार बार यही मिलती है, ये लाल रंग की कड़क चीज। तुम्हारा मतलब ईंट? देखो, हमें पक्का पता नहीं है कि वो ईंट है या फिर कुछ और, बस इतना पता है कि ये जो भी है इतने सारे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। हे, कौन है जो बार बार छोड़ रहा है? अब कोई और रास्ता नहीं है। अरे, मुझे कुछ मिला है। हमें फिर से उल्लू मत बनाओ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर एक ईंट ढीली है, देखो हम इसे निकाल सकते हैं। हे, जॉनी, जॉनी, मेरी बात सुनो, जरा ये ईंट निकालने में मेरी मदद करो, जल्दी आओ। ये खुला ही रहता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई। अंदर आओ ना, मैं थोड़ा फेस चाटू। चुप चटोरी। वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं? छुपा छुपी खेल रहे हैं। चल बंद कर। सही है, मेहनत करते रहो भाई लोग, पर असली माल तो अपन उड़ाएंगे, समझे? सोली कहाँ है? देखो मुझे क्या मिला, मर चला। क्या कर रही है? छोड़ मुझे। अरे, ये फूल जड़ी नहीं है। रुक जा। नहीं, तो पुंगी बजाऊंगा। ठीक है, तुम रखो। सैली, तुम यहाँ? नाश्ते में मूली के पराठे खाए थे क्या? तुम नट्स ले आए? क्या बात है सैली, बहुत अच्छा। अब तो वो मुझे पक्का पिंजरे में डाल देगी, मेरी आजादी छिन जाएगी, मैं क्या करूं? और तुम्हें क्या बताओ कि पिंजरे में तो सब खाने में खिचड़ी मिलती है। प्लीज मुझे बचा लो, तुम छोटा होगे। इतना धुआं क्यों है यहाँ पर? अरे मुझे जवाब तो बताओ मुझे। अरे बॉस, ये देखो, वो स्क्विरल नट की दुकान उड़ाने वाली थी और प्रेशस ने उसे रोका, उसने हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। उसे सीमेंट से पैक कर दो, अभी से उस मशीन को बंद ही रखना। तुम्हारे भेजे में बात घुसी कि नहीं? इसे दो चार हड्डियां दे दो और उस दीवार को बंद कर दो। कितनी स्मार्ट है प्रेशस, तुमसे भी ज्यादा अकल है उसमें। नहीं, तुमसे ज्यादा अकल है। नहीं, तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। मुझसे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तुमसे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। ये है ना, सही कहा। चलो, इस बात पर तो हमारी राय एक है। सोली, ये क्या हो रहा है? इस कचरे के डिब्बे में एक होल है, अपन इसमें छिपके जमीन में एक और होल बनाएंगे और नट्स तक पहुंचेगा। कैसा लगा आइडिया? क्या बात है, क्या झकास आइडिया दिया है सरली ने। ठीक है, पर इसमें कितना टाइम लगेगा? वो तो डिपेंड करता है कि हमें खोदते वक्त कितने पत्थर और पाइप मिलते हैं। 3 दिन लगेंगे। नहीं, 2 दिन लगेंगे। 3। बकवास प्लान है। मेरा मतलब है तुम्हें रैकून की परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम चुप रहो, रैकून को ये आइडिया पसंद आएगा। रैकून, उसका तो नाम सुनकर ही अपने दिमाग की हार जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता ये रकून ने क्या पट्टी पढ़ा कर रखी हुई है। बोलते कि रकून को पसंद नहीं आएगा, वो है कौन यार? वो बड़ा, वो असल में 1 नंबर का चंदी चोर है और ये सब समझते हैं कि वो बहुत बड़ा तोप है, जबकि प्लान तो अपन बनाता है, दिमाग अपन चलाता है और वो सिर्फ जबान चलाता है। उसे मुफ्त की मूंगफलियां छीलने की आदत हो गई है क्या है बे?
This movie encoded by Dread Holmes. क्या हुआ? तू जा यहाँ से। इधर क्या कर रही हो? जाओ जाओ नीचे जाके काम करो, नहीं तो रकुन नाराज हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। इसमें नया क्या है? रकुन तुम्हें धोखा देने वाला है। हम सब इस प्लान में शामिल थे, पर मुझे माफ कर दो। रकुन ने तो अपन को हमेशा धोखा दिया है, और वैसे भी कौन बोला कि अपन मदद कर रहा है? पर तुम तो हमारी मदद कर रहे हो, है ना? अपन मदद कर रहा है खुद की। सही कहा, गलती मेरी ही थी। बस याद रखना सर्ली, पार्क को नट्स की जरूरत है। अब जो करना है करो। मैंने खाना बांटने की परमिशन नहीं दी थी। एंडी को तो जानते हो ना, ये उसका आइडिया था। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मैं एंडी को जानता हूँ, कभी बात नहीं सुनती, कभी कहना नहीं मानती, पर सरली का कहना तो मानती है। और सरली ने उस डॉग को भी अपने साइड में ले लिया है। अब लगता है वो ये काम कर सकता है। जिस दिन सरली स्पार्क को बचाएगा, यहाँ नट्स की बारिश होने लगेगी। वैसे एक एक्सीडेंट तो हो सकता है। अगर उसे उड़ा दें तो कैसा रहेगा? क्या तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? सरली ने क्या बिगाड़ा? उसने तो सिर्फ चोरी की है। बात सिर्फ चोरी की नहीं है, मैं नहीं चाहता बाकी जानवरों को खाना मिले। क्या तुम मेरा प्लान भूल गए? जितना कम खाना उतना ही मैं काबू करना आसान। यह हमारा फर्ज है कि हम उन्हें खाने से दूर रखें। शाबाश। तो मैं क्या कह रहा था, याद आया? उनका खात्मा। हाँ, उनका खात्मा। ये राजमा का भाई है क्या? ये मोल क्या शांत पट्टी कर रहा है? ग्रेसन? सरली? सरली? अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गया। थैंक यू यार। अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं इंसानों के बीच था। वाकार सी कैट सी चू। हाँ, ये चूहा कहाँ से आ गया? मुझे चूहों से डर लगता है। प्लीज सरली, प्लीज मुझे गोदी में ले लो, मुझे छोड़ना मत। मुझे डर लगता है चूहों से, प्लीज। बेटू इसको संभाल, और होशियारी क्या तो देना खर्चा पानी। देख ये वाला जोरदार होगा। ये मॉल क्या कर रहा है? अपनी जान बचाओ। मैं तो एक जू खोलने वाला हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? नया पार्टनर चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शांत हो जाओ, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं। हाँ बोलो। सुनो मेरी बात सुनो। मैं नहीं, टॉयलेट जाना अभी। क्या कहा? नहीं, तुमसे नहीं, मैं किसी और से।
वो तुम्हें क्यों मार रहा था? क्या किया तुमने? हाँ जल्दी गली में जाओ और पानी को रोक। पानी को रोको, समझ? तुम मेरे बॉस नहीं हो। ओके बॉस, आई लव यू। पहले पानी को रोको, फिर फेस छाटो। सरली, किस लफड़े में फंस रहा है तू? गोली मारता उसे, बचने ना पाए। रुको, बंद करने वाला बाल कहाँ है? इन सब के पीछे चूहे हैं बॉस। चूहों ने किया? ढूंढो उन्हें। जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किन चूहों की बात कर रहे हैं बॉस, जरा समझाइए ना। वो रहा, उसी ने किया, उस चूहे ने। ठीक हो ना? आए ने कुछ नहीं होगा। दूसरे डॉग से मत कहना कि हम दोस्त हैं, ठीक है? उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगी। बहुत जोर की लगी होगी। पकड़ उसे। ठीक है। ए, रुको! सरली, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? रुक जाओ प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। वो चूहा मेरे पीछे पड़ा है, मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। तुम यहाँ पर? एक बात बताओ मुझे, अभी जो यहाँ पर हुआ किसी को बताओगे नहीं ना? इसका मुंह चाटो क्या? चाट नहीं, इसको तो काट ले। सचेस बोल, काय को पानी चालू करके उनको डुबाना चाहता था? नहीं, मैं तो नहा रहा था। मैंने खुद तुझे सुरंग में पानी छोड़ते हुए देखा। किसके कहने पे किया? रघुन के। इसे खर्चा पानी दूं? जा वहाँ पर नजर रख। ओके बस, जो करना करो, मैं नहीं बताऊंगा। मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा। जो चाहे इसमें डाल दो, चाहे गर्म कोयला हो, चाहे गर्म पानी हो, मेरे मुंह से कुछ उगलवाना नामुमकिन है। इसे बंद करो। रघुन चोरी को रोकना चाहता है। कहानी में दम नहीं है। कम खाना मतलब सब पे कंट्रोल। अगर चोरी करने में कामयाब हुए तो रैकून सब पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो पार्क से निकाल दिया था, तुम्हारा क्या लेना देना? कुछ नहीं है, लेकिन जब अपन भांडा फोड़ेगा तो डबल माल मिलेगा। तुम्हें लगता है वो तुम जैसे चोर की बात मानेंगे? खाने का झोल करके दे रहा हूँ, बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा, खुद से झूठ मत बोलो। गला घुट रहा था और फिर पता क्या हुआ? ग्रेसन आ गया, उसने मेरी जान बचाई। उसने मेरी जान बचाई, मेरी जान बचाई, उसने मेरी जान बचाई। अच्छा, अब जान किसी की भी हो, बचाई तो मैंने ही है ना। दोनों हमेशा लड़ते ही रहते। ग्रेसन, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें सर्ली के साथ काम करना पड़ा। सर्ली? उन्हें लगता है मैंने उनकी जान बचाई है। तुम भी यही बताना, समझे ना? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुन पाओगे ये काम किसने किया? तुम्हारे मोल ने। उसने इन दोनों को डुबाने की कोशिश की और अपन के सामने कबूल किया। मोल? और ये सब उसने किया रकून के कहने पे। तो तुम रकून पर इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें पार्क से निकाल दिया है ना? नहीं, पागल है क्या? रकून ने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पर तुमने पहुँचाया है। देखो भाई लोग, मानना है तो मानो, नहीं तो मेरे को मेरा हिस्सा दो और मैं चला। ग्रेसन। हाँ डार्लिंग। तुम वहाँ थे? हाँ था ना। क्या इसको क्यों पूछ रही हो? तुम्हें लगता है ये सब मैं ने किया है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बस हमें बताओ सच क्या है। बड़ी, क्या तुमने कुछ देखा? बस क्या, अब उससे पूछ रही हो? ये क्या जवाब देगा? काय को टाइम वेस्ट कर रही हो, ये किसी काम का नहीं है। अरे बोल भी नहीं सकता, सिर्फ जितना बोला जाए उतना करता है। तुम्हारी तरह एंडी। ये हमेशा तुम्हारा साथ देता है और तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो? नहीं, तुम बहुत सेल्फिश हो। जाने दो, रास्ता खुल गया है, हम सुबह तक अपना हिस्सा निकाल लेंगे। उसे अपना हिस्सा लेने दो, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसे जाने दो, हम डील नहीं तोड़ेंगे। बाय सरली, जल्दी वापस आना। मेरा मतलब आना, लेकिन दिखाई मत देना।
सरली अपनी टीम बहुत बढ़िया है, मिलकर दूसरी चोरी करते हैं, क्या कहते हैं? अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ, मैं समझ गई, अभी नहीं करना है तो क्या करना है? अरे बोला ना नहीं, काम खत्म, पैसा हजम। तुम्हारे साथ चलो, जाना अपना काम कर, अपने को कोई पार्टनर नहीं चाहिए। ओ, हम वो गेम फिर से खेलने वाले हा? अरे काय को हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, छोड़। देख फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। आप इसके साथ क्या करने वाले हैं बॉस? मार दूंगा, जरा लाओ तो मेरा ब्लो टॉर्च। लाना? हाय लाना, तुम कब आई? अच्छा हुआ तुम आ गई, हम टनल में जा रहे हैं, कुछ काम है वहाँ। तो तुम्हें पता चल ही गया। तुम मुझे कब बताने वाले थे किंग? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, कोई किसी को बदल नहीं सकता। बॉस, यहाँ ये। जाओ किंग, जाकर लूट लो बैंक। ये सच में मेरी आखिरी चोरी है। जल्दी आइए। देखिए, पूरा खजाना है। चलो इसे उड़ा देते हैं। पर लाना का क्या? लेकिन अब उनके पास पुंगी तो है नहीं। पता है, लगा है एक हीरो या एक चोर? अपने को मालूम है तू बाघ को कंट्रोल करना चाहता है, मोल ने मेरे को सब कुछ बता दिया। क्या, ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये आपको उल्लू बना रहा है। तुम फिर से मेरे सामने नाटक कर रहे हो, मुझसे कोई बदला लेना चाहते हो? बात कुछ और है, है ना? तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, ग्रेसन को शायद, या एंडी को? ओ, समझ गया, कोई बात नहीं, मेरे आदमी उनको भी ठिकाने लगा देंगे। और उन्होंने अपनी बात का यकीन नहीं किया, वो तो अपन से नफरत करते। शायद, पर मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता सरली, हर शातिर चोर ये बात जानता। सुनो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, मतलब आपको नहीं लगता कि उसके बाद मैं तुम्हें खत्म करूंगा? और वो चमकीली चीज कहाँ है जो उसके पास होनी चाहिए? काउंट डाउन शुरू करो। 10, 9। अब तुम जाकर एंडी और ग्रेसन को ठिकाने लगाओ। इस हीरो को मैं जीरो बनाता हूँ। तो ज्यादा देर राज नहीं कर पाएगा, वो नया लीडर चुनेंगे। इस पार्क का सिर्फ एक ही लीडर हो सकता है और वो सिर्फ मैं हूँ। 3, 2, 1। बाकियों को बता देगा किसका इंतजार कर रहे हो। जाओ पकड़ो उसे। लग गई लॉटरी। अरे हम तो मारा माल हो गए। सारा माल बैंड में लोड कर दो और निकलो यहां से। सुनो तुम दोनों,
नट्स को लॉकर में रखो और उसे सील कर दो। वैसे तुम अपने पैसों का क्या करने वाले हो? जू खोलूंगा। मैं भी अपने लिए दो जू खरीदूंगा और उसमें से दो तुम्हें दूंगा। और उसमें शेर भी रखना, मुझे शेर बहुत पसंद है। हाँ जरूर, वो बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें छेड़ो तो ही हमला करते हैं। अब ये क्या, मैंने तुमसे कहा था नट्स को लॉकर में रख दो। हाँ तो आपने कार्ड को टनल से क्यों निकलवाया? तुम जरूर कुछ गोलमाल कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आप मार गोल कर रहे हैं। छोड़ो ना, शायद कार्ड को धक्का लग गया होगा। या शायद ये चूहों ने किया हो, मेरा शक सही। इतनी सारी जरा संभल कर। चूहों से मैं निपटता हूँ। अरे बचाओ, संभल कर फिंगर जाओगे। अरे तुम जाओ। आप नहीं आ रहे हैं बॉस? जैसा कहा वैसा करो, जाओ यहाँ से। सब कितना सही चल रहा था। तेरे को अकल वकल है कि नहीं? सरली, मुझे एक सुपर हीरो जैसा सूट चाहिए, एकदम झकास। क्या दिमाग घर पे छोड़कर आए क्या? सबको सुरंग में से ले जाओ और गड्ढे में से बाहर निकाल, इस मोटे को मैं देखता हूँ। मैंने सोचा था कि हम सुपर हीरो का सूट पहनेंगे और इनकी हड्डी पसली एक करेंगे। तेरे को भारी ड्रेस की जरूरत नहीं है, अपन अकेला पाक को नहीं बचा सकता। अपन हीरो वीरो नहीं है, लेकिन तू है। पिछली गर्मियों में सबकी प्यास बुझाने के लिए फटे हुए पाइप को किसने ढूंढा था? बोल। मैंने। सही बोला, सबको हीरो पसंद होता है, इसलिए फालतू हरकतें बंद कर, क्योंकि तू एक हीरो है। क्या मैं एक हीरो हूँ? मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? चूहे, चूहे भागो, तब लोग अपनी जान बचाओ, तब लोग मेरे पीछे आओ। वो हमें बचाने आया है। मौका अच्छा है, चलो निकलते हैं। जल्दी चलो चलो जल्दी। भागो। मोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंडी, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। रकून, सर्ली हमें धोखा देने का प्लान बना रहा है, उसने सच कबूल किया है। उसने तो कहा तुमने और मोल ने जिमी और जॉनी को डुबोने की कोशिश की। पर वो, ये मोल तो सर्ली के लिए काम कर रहा है। तू टाइम पास करना बंद करेगा? जिमी, जॉनी, पार्क में जाओ और बाकियों को बुला कर लाओ। यस सर। हर जा रास्ते से पहले मैं जाऊंगा। बाकी सब नट्स को वैन से निकालेंगे, समझ गए? पार्क की जय हो। पार्क की जय हो। चलो दोस्तों, मैं अपने पैसों से बड़ा सा हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। तुम क्या खरीदोगे? सर इसे देखो, हमें नट्स निकालने हैं, ये वैन कभी भी चल सकती है। नट्स खाली करो। रकून, सॉरी मैंने तुम पर शक किया। रकून, रकून दरवाजा खोलो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? रकून, उसे जाने दो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आ गया। पंछियों पे छा गया, पर ये बिगाड़ सकता है। सिग्नल से लेफ्ट ले लो, हट जाओ, मैं आ गया। अपने को वैन में से सबको बाहर निकालना है, जल्दी अंदर जाने का रास्ता ढूंढ। मेरे पीछे आओ। क्या यार, हमने कर दिया फिंगर्स, अब रास्ता साफ है। मैं जाकर पैसे गिनता हूँ। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ नट्स है। हमें उल्लू बनाया। क्या? पैसे नहीं है, उन बदमाश चूहों का काम होगा। सामने एक स्क्विरल है। स्क्विरल, ये क्या है? एक बर्ड भी।
लगता है उन्हें पता चल गया है, अब वक्त है खेल खत्म करने का। गाड़ी मोड़ो। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बॉस के पीछे चलो। काश ग्रेसन यहाँ होता। बचाओ। ग्रेसन गिरा तो नहीं? तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अहिला मर गया। थैंक यू। मॉल डरना बंद कर और दरवाजा खोलने में अपन की मदद कर। तू भी कर ग्रेसन। अभी लो। ग्रेसन तुम हमें बचाने आ गए। क्या? ओह। कैसे भाई लोग? ऐसे मजा चखा है। अपने को समझाने तो दे। ये सब छोड़ो, दरवाजा खुला है, हमें नट्स को बाहर फेंकना है। रखो। चलो छोड़ो इसे। इससे पहले कि हमें मारे से गाड़ी से बाहर फेंक देते। मार दे। ये स्क्वायरल एक हीरो है। ये एक्चुअली हीरो का दोस्त है। रैकून हमें धोखा दे रहा है। यकीन मानो मैं सच कह रहा हूँ। पकड़ के रखने का बोल। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा है क्या? तुमने हमें अंदर बंद क्यों किया? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि पार्क के विलन से छुटकारा पाए। पार्क की जय हो। पर तुमने अब तक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो गद्दारी है एंडी। सवाल का जवाब दो रकून। क्या सोली सही कह रहा है? सच बताओ। वोट करते हैं। बोलो जो भी रकून को निकालना चाहता है अपना हाथ ऊपर करो। रकून। ये मैं रखूंगा। डैम को पार करते ही बॉर्डर पीछे छूट जाएगा, फिर हम आजाद होंगे। चोर तुम हो, सहली नहीं। उसने तुम्हारे बारे में सही कहा था। नहीं 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 नहीं, इसमें डायनामाइट भरा हुआ है। हाँ? बाहर निकलो, हमने तुम्हें घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। निकलो अभी। पता था बॉस धोखा देगा। पहले नहीं बता सकते थे? मॉल सब लोग किधर गए? वो सब अंदर है, पर एंडी रैकून के साथ दूसरी वैन में है। तुम उसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सर ये क्या कर रहे हो? मुझे तो बस एक जू खोलना था। देखना बॉस, तुम भी नहीं बचोगे। मेरी मम्मी ने कहा था कि चोर मत बनो। लगता है हॉस्टेजेस भी हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। Yeah.
अब ये क्या है? ये भी उस क्विरल ने किया होगा। बंद करो अपनी स्क्विरल की कहानी। एंडी, ए, एंडी। सोली। हम अब भी पैसों को बचा सकते हैं। हे, क्या करने की सोच रहे हो? गाड़ी में और पैसा है। तुम करना क्या चाह रहे हो सरली? रघुन, अपन गिर जाएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। बिड़ो, शाबाश मेरा पंडार। वो चीज मेरे हवाले कर दो। इतनी जल्दी नहीं चोर। उधर देखो, सरली और रैकून। वो झरने से नीचे गिर जाएंगे। चलो उन्हें बचाते हैं। पकड़ लिया। छोड़ो मत। ऊपर आ जाओ। छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मत। हम तुम दोनों को बचा लेंगे। ऊपर आओ। कभी नहीं, तुम किसी को बचा नहीं सकती। सरली मेरे साथ नीचे जाएगा। बेड़ो, क्या माल हाथ लगा था, पर जो किस्मत में लिखा हो वही होता है। सरली, छोड़ना मत प्लीज। अपने को माफ करना एंडी। क्या? नहीं सरली, नहीं। सेल्फी नहीं मांगेगा, पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। आई एम द बेस्ट, यू नो। सामने भीड़ है, जल्दी कूदो। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, बाद में मिलता हूँ, आता हूँ ना। हाँ हाँ, सब लोग भाग क्यों गए? मैं आ गया। ग्रेसन, तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए? कैसे हो? एकदम मस्त। चलो दोस्तों, ये चलो 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 बचाओ मुझे। मुझे ले जाओ ऑफिसर्स, मुझे बचा लो इन चूहों से, मुझे ले जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ, वापस आओ। बड़ी, मेरे साथ आओ। ऐसा क्यों देख रहे हो? अरे अच्छा अच्छा, बस कर बस कर। अच्छा अपन समझ गया, बस बस। कहाँ हो तुम? ओके सरली, तो नट की दुकान में मिलते हैं। एक सेकंड, कौन सी जगह बोली? हाँ, अब दुकान लाना की है। हे, अब बिसल मत बचाना, मैं बस चेहरा चाटूंगी। ओ हाय एंडी। सॉली, जब तुम झरने से नीचे गिरे तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ओ, हमें जाना होगा, चलो जल्दी। लेकिन किधर लेकर जा रही हो? सबको पता होना चाहिए कि पार्क को बचाने के लिए तुमने जान खतरे में डाली। नहीं, टीम ने पार्क को बचाया। ये देखा ना मेरा कमाल, पूना मैं पार्क का हीरो। हाँ, बोलो। तो अब तुम क्या करोगे? अपन पार्क के लिए खाने का बंदोबस्त करता रहेगा, पर अब से ये काम अकेले नहीं, साथ में करेंगे। क्या बोलती है? ये पार्क अपनी डील कभी नहीं तोड़ेगा सोली। किसी शाणे ने बोला था कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचने का, लेकिन सच तो ये है कि मिल बांट के जीने में सबसे ज्यादा मजा है। और जिस दिन इस बात का एहसास हो जाए, तब सबके अंदर एक हीरो जाग जाता है। और वो ऐसे भी भिड़ू, सबका नट थोड़ा बहुत तो हिलेला ही है। Gangnam Style.
싶으면 묶어도 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Any more big ideas? But please stay. This movie encoded by Dredd Holmes.